أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله. ये एक आयत है जो मैंने अभी आप हजरात के सामने पढ़ी, ये अभी नमाज में हमारे इमाम साहब ने पढ़ी है सूरे यूनुस के पहले रुकू में। इस आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह वो हैं जिन्होंने सूरज को जिया बनाया है और चांद को नूर बनाया। अब हमारे पास में न उर्दू में दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज हैं, न अंग्रेजी में दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। एक लफ्ज है जिया उन और एक है नूर उन। अंग्रेजी में दोनों के लिए लाइट लफ्ज है और दोनों का मफहूम लाइट लफ्ज अदा नहीं करता। उर्दू में दोनों के लिए लफ्ज है रोशनी, रोशनी भी दोनों को अलग अलग नहीं करते। डिग्री का फर्क है, लाइट वेरी हाई ये दिया है और वेरी लाइट लाइट बहुत हल्की रोशनी ये नूर है। मुश्किल हमारी ये है कि न उर्दू में हमारे लिए पास दो लफ्ज हैं, न अंग्रेजी में हमारे पास दो लफ्ज हैं। तो बिया का तर्जमा हम अलग करके बतलाएं, नूर का तर्जमा अलग करके बतलाएं, इसलिए तफसील से ये बात बतला रहा हूं मैं कि ये रोशनी ये वेरी हाई हो जाए। जैसे सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया जगमगा जाती है, ये बिया उन इस रोशनी के लिए लग दो गया उन्हें। और रात को 12, 13, 14 का जो चांद निकलता है, 14वीं का चांद निकलता है, तो जमीन जैसी रोशन होती है ये नूर है। तो फरमाया कि अल्लाह वो हस्ती हैं जिन्होंने दो पूरे बनाए, एक सूरज बनाया एक चांद बनाया, सूरज को गया बनाया चांद को नूर बनाया। दोनों की रोशनी का फर्क हम जानते हैं। जो सुबह सूरज निकलता है तो शाम तक आधी जमीन जगमगाती है और रात को जब चांद निकलता है पूरा, 14वीं का चांद मुकम्मल निकलता है, तो अभी आप बसहूलत जंगल में कहीं भी चल सकते हैं, इतनी रोशनी होती है। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए नूर लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके लिए गया लफ्ज इस्तेमाल किया कि अल्लाह वो हस्ती हैं जिन्होंने सूरज को बहुत तेज रोशन बनाया और चांद को हल्का रोशन बनाया। यूं फर्क करो दोनों के दरमियान। गया और नूर का लफ्जों का फर्क न समझ में आए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिन भर जो रोशनी सूरज की वो गया है और रात भर जो चांद की रोशनी है वो नूर है और दोनों का फर्क हरेक जानता है। वो कद्दरहु मनाज़िल लितअलमु अदद सिनीन वल हिसाब। फरमाया कि अल्लाह ने चांद की मंजिलें तजवीज कर दी। कद्दरहु हुमा नहीं, दोनों की नहीं, ऊ जमीर। और अरबी जानने वाले मौलाना साहेबान यहां हैं, जमीर का मर्जा अकरब होता है। अल्लाह ने चांद की मंजिलें तजवीज कर दी क्यों, ताकि तुम
सालों की गिनती जानो और दूसरे हिसाबात जानो। असल अहम सालों की गिनती जानो और दूसरे हिसाबात जानो, इसलिए अल्लाह ने ऐसा किया। सूरज से भी कैलेंडर बनता है और सूरज से जो कैलेंडर बनता है वो इस्लाम से बहुत पहले से बनता चला आ रहा है। नबी ये बात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई है 570 AD में, जो अंग्रेजी साल है एनो डोमिनी। हम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो सन शुरू किया है ईसाइयों ने, वो 570 में हुजूर की पैदाइश हुई है। और ये जो अंग्रेजी सन है ये सूरज से बनता है। मालूम हुआ कि सूरज से भी कैलेंडर बनता है, मगर इस आयत करीमा में चांद से जो कैलेंडर बनता है उसका तस्करा है। फरमाया वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब। अल्लाह ने चांद की भी मंजिलें तय की हैं और उन मंजिलों के एतबार से इसलिए तय किए हैं अल्लाह ने कि तुम साल बनाओ और दूसरे हिसाब सीखो। इस मकसद से अल्लाह ने ये मंजिलें चांद की तजवीज फरमाई। सूरज से जो मंजिलें बनती हैं उसका तज़किरा आया है 15वें पारे के दूसरे रुकू में। सूरज से जो कैलेंडर बनता है उसका तज़किरा 15वें पारे में आया है, ये 11वां पारा है। यहाँ चांद से जो कैलेंडर बनता है उसका तज़किरा फरमाया मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़। नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने उसको, मौलाना साहिबान जानते हैं गालिक इसमें इशारा मुफरद है, तस्निया नहीं है, गालिकुमा नहीं है, चांद और सूरज दोनों का तस्करा नहीं, सिर्फ चांद का तस्करा है। मा खलक अल्लाह गालिक इल्ला बिलहक। अल्लाह ने वो चांद की जो मंजिलें बनाई हैं ताकि उससे कमरी कैलेंडर बने, ये अल्लाह ने बा मकसद बनाया है, बिलहक ये खामखा नहीं बनाया। मा खलकल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक युफस्सिलुल आयात लिक़ौमिन यालमून। अल्लाह ताला अपनी आयतें खोलकर समझाते हैं उन बंदों को जो बंदे जानना चाहते हैं, जान सकते हैं, और जो भी कोशिश करेगा वो जाने, जो भी जानना चाहेगा कोशिश करेगा जानने की जान सकेगा। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ये मजमून खोलकर इसलिए भी ना बयान किया जा रहा है कि तुम उसे जानो। ये मैंने आयत करीमा का तर्जमा। मेरे भाई उसके बाद ये समझो, बहुत पुराने जमाने से दोनों कैलेंडर चले आ रहे हैं, शमशी और कमरी। हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का जो कैलेंडर है वो कमरी, और ये अंग्रेजी कैलेंडर शमशी है। और दूसरे और भी हैं, कोई किसी का शमशी कैलेंडर है, किसी का कमरी कैलेंडर है, दोनों कैलेंडर पहले से चले आ रहे हैं। इस्लाम जब हुजूर तशरीफ लाए और इस्लाम आया, उस वक्त अरबों में कमरी कैलेंडर जारी था। मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल थानी जुमादुल उला जुमादुल थानिया, ये सब कमरी कैलेंडर के बारह महीने थे। और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 12 महीने शमशी कैलेंडर के थे। अरबों ने भी कमरी कैलेंडर को अकॉर्डिंग कर रखा था शमशी कैलेंडर के, जैसे हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी अपने कमरी कैलेंडर को अकॉर्डिंग कर रखा है शमशी कैलेंडर के। अरबों के यहाँ रमजान हमेशा सख्त गर्मियों में आता था, माह रमजान हमेशा सख्त गर्मियों में आता था। रमगल फिसालों के माने हैं ऊंटनी चल रही, चरने गई है, उसके साथ उसका बच्चा गया है, तो ऊंटनी के पैर तो अभी नहीं जल रहे लेकिन बच्चे के पैर जलने लगे। इतना गर्म जमाना हो तो वो रमजान है। जुमादा जब पानी जमने लगे, इतनी सर्दी हो जाएगा पानी जमने लगे, 2 महीने तक पानी जमेगा, वो जुमादुल उला जुमादुस सानिया।
तो अरबी कमरी महीनों को सूरज के महीनों के साथ अकॉर्डिंग कर रखा था। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भी यही करते हैं, जेठ हमेशा गर्मी में आए, कार्तिक हमेशा बरसात के शुरू में आएगा, उनके महीने फिक्स कर रखे। कैसे फिक्स कर रहे हैं? हिंदू हर 3 साल में एक महीना बढ़ाते हैं लौंद का, क्योंकि ये दोनों कैलेंडर छोटे बड़े हैं। सूरज का कैलेंडर 10 दिन बड़ा है और चांद का कैलेंडर 10 दिन छोटा है, तो मुख बराबर करने के लिए हर 3 साल में एक महीना बढ़ा देते हैं और साल 13 महीने का कर देते हैं। इसको हिंदी में लौंद कहते हैं। और अरब इस्लाम से पहले अरब भी हर 3 साल में एक महीना बढ़ाते थे और उसका नाम उन्होंने रखा था कबीसा और नसीउन। सूर्य तौबा में है इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कहा कि ये जो तुम गड़बड़ करते हो 3 साल में एक महीना बढ़ाते हो, ये अल्लाह के सिस्टम को बिगाड़ते हो। बहरहाल समझने की बात यह कि दोनों कैलेंडर चले आ रहे थे और लोग दोनों कैलेंडर को अकॉर्डिंग कर देते। इस्लाम ने आकर पहली इस्लाह ये की कि कमरी कैलेंडर अपनी रफ्तार पर चलेगा, शमसी कैलेंडर अपनी रफ्तार पर, तुम जानो शमसी कैलेंडर, कमरी कैलेंडर अपने रफ्तार पर चलेगा। वो एक महीना बढ़ाने से जो सारा सिस्टम बिगड़ गया था, उसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, 9 हिजरी में हुजूर ने हज नहीं किया, क्योंकि तारीख सही जगह पर नहीं थी। 10 हिजरी में हुजूर ने हज किया और अरफा में जो तकरीर की उसमें हुजूर ने ये बात फरमाया कि इन जमान कदीस तदारा कहई अति ही यौम खलक समावात वल अर्द, आसमान और जमीन जब अल्लाह ने पैदा किए थे उस वक्त जो जमाने की रफ्तार थी चलता चलता आज ठीक उसी रफ्तार पर आ गया है। इसलिए 10 हिजरी में हुजूर ने हज किया, 9 में हज नहीं किया, क्योंकि जमाना सही जगह पर नहीं था, हर दिन आगे पीछे हो गए थे वो रिकॉर्डिंग करने की वजह से। अब जो 10 हिजरी में 9 अरफा को जो ज़िलहिज्जा की 9 तारीख आ गई, बस वहां से मुसलमानों ने उसकी हिफाजत शुरू की और फिर उसके बाद में कोई गड़बड़ नहीं हुई, वो एक महीना बढ़ाने का सिलसिला खत्म। अब चांद का जो कैलेंडर पूरे साल में घूमता है और सूरज का कैलेंडर वही है, हिंदुओं का कैलेंडर वो एक महीना बढ़ाकर उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमेशा जेठ गर्मी में आता है। अब चांद का जो कैलेंडर है, अब वो आसमान और जमीन जब अल्लाह ने पैदा किए थे उस वक्त जिस रफ्तार से अल्लाह ने अय्याम को बनाया था, अब उसी तरह से अय्याम बनते हुए चले आ रहे हैं। ये एक दूसरा मजमून है जो समझने का है मेरे भाई। और एक दूसरा मजमून समझो, शरीयत के अहकाम कुछ सूरज से मुताल्लिक किए गए हैं, कुछ चांद से मुताल्लिक किए गए, और 2 बातों का ख्याल रखा गया है। एक, जमाने के हर हिस्से को इबादत में से हिस्सा मिले, और दूसरा लोगों के लिए सहूलत, कोई कैलकुलेट न करना पड़े। इन 2 बातों का, एक जमाने के पूरे साल के हर हिस्से को इबादत में से हिस्सा मिलना चाहिए, और दूसरा इतना सीधा आसान के कैलकुलेट न करना पड़े। इन 2 बातों का लिहाज करके कुछ अहकाम चांद से मुताल्लिक किए गए हैं, कुछ अहकाम सूरज से। देखो, नमाजें सूरज से मुताल्लिक की गई, बौ फटी सुबह सादिक हुई, और हर लम्हा पूरी जमीन पर पौ फटती रहती, सूरज सर से ढला दौड़ पड़ो, हर वक्त जमीन के ऊपर सूरज ढलता रहता है। जब किसी कपड़े में कोई चीज लेकर निचोड़ दो, थोड़ा सा रह जाए असर, जब पूरा दिन निचड़ जाए और थोड़ा सा हिस्सा रह जाए असर पड़ो, ये वक्त हर वक्त
जब सूरज छुपे परम अग्रिप पड़ो, हर वक्त जमीन पर सूरज छुपता रहता है। जब सूरज की रोशनी खत्म होकर रात छा जाए ईशा पड़ो, हर वक्त ये हाल रहता है। लिहाजा अगर आपके पास में कोई जरिया हो तो जमीन पर हर वक्त फजर की नमाज भी पढ़ी जा रही है, जहर भी पढ़ी जा रही है, असर भी पढ़ी जा रही है, मगरिब भी पढ़ी जा रही है, ईशा भी पढ़ी जा रही है। और कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देखो ये पाव फटी, चलो फजर पढ़ो, चलो ये सूरज ढल गया, साये इधर से इधर हो गए, कोई कैलकुलेट नहीं करना, जोर पढ़ो, वो सूरज करीब नीचे डूबने के करीब पहुंचा, असर पढ़ो, आंख में ये सूरज गया, मगरिब पढ़ो, अशफक की रोशनी खत्म होगी, ईशा पढ़ो, कोई कैलकुलेट नहीं करना। और 24 घंटे को इबादत में से हिस्सा मिला, पूरी 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जमीन पर अजान नहीं हो रही, जमीन पर तक नमाज जमात नहीं हो रही, जमीन पर मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, कोई जमाना ऐसा नहीं है, 24 घंटे मुसलसल। आज यहाँ है तो कहीं सूरज तुल्लू हो रहा है, कहीं गुरूब हो रहा है, तुल्लू हो रहा है वहां फजर पड़ी जा रही है, गुरूब हो रहा है मगरिब पड़ी जा रही है। तो दो बातों का लिहाज करके सूरज के साथ हिसाबात अहकाम मुतालिक करने में पूरी दुनिया के लोगों को सहूलत है, 24 घंटे का हर लम्हे को इबादत में से हिस्सा भी मिल गया, और हर आदमी अपनी फितरत से वक्त को मालूम कर लेगा, कोई आला नहीं चाहिए, कोई हिसाब नहीं चाहिए। इसी तरह से कुछ अहकाम वो हैं जो चांद से मुतालिक किए गए, उन अहकाम में से हज और रमजान, हज और के अलावा भी है, हज और रमजान ये दो अहकाम चांद से मुतालिक किए गए हैं, और मदार रखा हिसाब पर नहीं, कैलकुलेशन नहीं, आंख से देखो वो चांद नया चांद नजर आया, चलो महीना चलो, रुयत पर मदार रखा, हिसाब पर मदार नहीं रखा। और चूंकि चांद का साल 10 दिन छोटा है तो पूरे साल में राउंड हुआ, साल के 12 महीनों में गर्मी में भी रमजान हज होता है, सर्दी में भी हज होता है, बरसात में भी हज होता है, तमाम सीजनों में रमजान भी आता है, पूरे साल को इबादतों में से हज और रमजान की इबादतों से हिस्सा भी मिल गया, और कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आंख से देखो, जिसके पास दो आंखें हैं वो देखो, तो चांद के देखने पर मदार हिसाब है, अल्लाह ने उसकी मंजिलें मुकद्दर की है, मगर उन मंजिलों पर हिसाब पर मदार नहीं रखा, मदार रखा आंख से देखने पर, और दो चीजों का लिहाज किया। कुछ लोग ये सब कहते हैं, क्या बात है, चांद पर मदार क्यों है, सूरज की रफ्तार तो उससे ज्यादा पाबंद है। तो इसको मैं समझा रहा हूं कि सारे आकाम न चांद पर हैं, न सारे आकाम सूरज पर हैं, आकाम डिवाइड किए हैं, और दो बातें पेशे नजर रखकर आकाम डिवाइड किए हैं, एक पूरे जमाने को इबादत में से हिस्सा मिलना चाहिए, और हर आदमी अपनी फितरत से उसको जान सके, कोई कैलकुलेशन की जरूरत न हो, चांद को साथ हज और रमजान चांद से मुतालिक किए, और नमाजें सूरज से मुतालिक। मेरे भाई अब एक मजमून और समझो, बाद आकाम में दोनों का एतबार किया। हजरत बोलें যে চাঁদের ব্যাপারটা একেবারে সহজ, সূর্যের ব্যাপারটা যেরকম একেবারে সহজ, চন্দ্রের ব্যাপারটা আরো সহজ। চন্দ্রের ব্যাপারটা হলো যে নিজের চোখে দেখো, দেখার পরে তার উপরে আমল করো, যেভাবে দেখবা দেখার পরে তোমাদের মাস শুরু হয়ে যাবে। আর এক নয়া মজমুন সমঝো, বাদ আহকামে দোনো কা এতবার কিয়া, রমজান শুরু কেসে হোগা, রমজান খতম কেসে হোগা, চাঁদ কে হিসাব, ওর রোজা শুরু কেসে হোগা, রোজা খতম কেসে হোগা, সূরজ কে হিসাব। সুবহ সাদিক সে তো রোজা শুরু হোগা, আর সুবহ সাদিক কা তাল্লুক তো সূরজ সে, और रोजा खत्म होगा गुरूब पर, तो गुरूब का ताल्लुक तो सूरज के साथ है, और रमजान शुरू कहां से होगा, रमजान खत्म कहां होगा, इसका ताल्लुक चांद के साथ। ये नया मजमून समझने का। ऐसे ही हज कौन से महीने में होगा, जिलहिज्जा, जिलहिज्जा कैसे शुरू होगा, चांद से, और अरफा में वकूफ है, अरफा का वक्त क्या है, जवाल से लेकर अगली सुबह सादिक तक, तो जवाल का ताल्लुक तो सूरज से, और अगली सुबह सादिक का ताल्लुक तो सूरज के साथ,
तो बात जगह पर कंबाइन अहकाम लिए गए हैं, क्योंकि इसी में सहूलत है। अगर आप ज़िलहिज्जा का महीना न लेते, हिसाब का महीना लेते, तो हिसाब का महीना सारी दुनिया हिसाब थोड़ी जानती है। और अगर आप ज़वाल से न लेते तो आप कैसे तयन करते। तो जहां सहूलत है उम्मत के लिए सहूलत का ख्याल रख करके ज़िलहिज्जा शुरू होगा चांद से, और 9 तारीख को ज़वाल के बाद वुकूफ़ अरफ़ा शुरू होगा अगली सुबह तारीख से, रमजान शुरू होगा चांद से, खत्म होगा चांद से, और रोजा शुरू होगा सुबह शादी से गुरू के आफ्ताब तक, इसका चांद सूरज के साथ। तो बाज़ अहकाम बिल्कुल चांद के साथ, बाज़ अहकाम सूरज के साथ, बाज़ अहकाम में दोनों पहलुओं का लिहाज किया गया, और सब जगह इसका लिहाज है कि हिसाब न करना पड़े। इसलिए कि हुजूर की उम्मत इतनी बड़ी है कि अगर कोई आसमान के तारे गिन सकता है तो हुजूर की उम्मत को गिन सकता है, अगर कोई दरख्तों के पत्ते गिन सकता है तो हुजूर की उम्मत को गिन सकता है, अगर कोई रेत के जर्रे गिन सकता है तो हुजूर की उम्मत को गिन सकता है। और हुजूर की उम्मत कहाँ कहाँ रहती है, सब अमेरिका में नहीं रहती है, सब पढ़ी लिखी उम्मत नहीं है, पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है, बयाबानों में रहती है, जहां तक इंसान है दूसरे इंसानों का पहुंचना ही नामुमकिन है, सब जगह हुजूर की उम्मत रहती है। अगर हुजूर की उम्मत के लिए जो अहकाम दिए गए हैं उसमें हिसाब को ले लिया जाता तो उम्मत के लिए बहुत दुश्वारी होती। इसलिए कहीं हिसाब नहीं, बगैर हिसाब के इंसान अपनी फितरत से अहकाम पर अमल करे। और बाज़ अहकाम सूरज से मुताल्लिक, बाज़ चांद से मुताल्लिक, और बाद में दोनों का एतबार है, और जमाने को, पूरे जमाने को इबादत में से हिस्सा मिलना चाहिए, कोई वक्त इबादत से महरूम नहीं रहना चाहिए। ये उसूल प्रिंसिपल है, इसको कैसे नजर रखा गया है। मेरे भाई उसके बाद एक हदीस सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुबु वला नहसुबु अश्शहरु हाकज़ा व शहरु हाकज़ा। तीन मरतबा तो 10 उंगलियां दिखाई तो 30 दिन हुई, और दूसरी मरतबा 10 उंगलियां दी तो तीसरी मरतबा अंगूठा मोड़ दिया। फरमाया महीना या तो 30 का होगा या 29 का होगा। हम ना खानदा उम्मत हैं, न पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आज भी उम्मत मोहम्मदिया की मेजोरिटी पढ़ी लिखी नहीं है, हिसाब जानने वाली नहीं है। महीना 29 का होता है, 30 का होता है। सूमू ले रुयती ही वफ्तिरू ले रुयती, चांद देखो और रमजान शुरू करो, चांद देखो और रमजान खत्म करो। फइन गुम्मा अलैकुम फअकमिलू इद्दत शाबान 30। बस अगर चांद छुपा दिया जाए, बादल है, तो शाबान के 30 दिन पूरे करके रमजान शुरू हो। चांद नजर आए तो 29 दिन शाबान के पूरे करके रमजान, और बादल की वजह से न नजर आए, है ही नहीं, नजर नहीं आया, या है मगर नजर नहीं आया, तो शाबान के 30 दिन पूरे करके रमजान शुरू करो। हिसाब ये कहता है, हिसाब नहीं। हम ना खानदा उम्मत हैं, न हम लिखना जानते हैं, न हम हिसाब जानते हैं। मदार सारा रुयत पर। बहुत संजीदा हो गए आप लोग, लतीफा सुनो। ये पीर साहब थे, और पीर साहब का बेवकूफ लड़का था। अक्सर पीर साहब के लड़के बेवकूफ ही होते हैं। और ये भी सुन लो, दुनिया में हिदायत भी इन बुजुर्गों से और पीरों से चली है, और दुनिया में गुमराहियां भी इन पीरों की औलाद से फैल चलते। कायदा भी याद रखो, दुनिया में हिदायत भी पीरों से और अवलिया से, दुनिया में हिदायत और ईमान फैला है, और दुनिया में जितनी गुमराहियां फैलती हैं उनमें से मोस्टली इन पीरों की नस्लों से जाहिल हो जाते हैं, उन्हीं से गुमराहियां फैलती हैं। तो एक पीर साहब का बेवकूफ लड़का था। तो पीर साहब जब मरने लगे तो लड़के ने अब्बा से कहा, अब्बा आप तो मर रहे हैं, आपके पीछे मेरा क्या होगा। तो अब्बा ने कहा, देख भाई, मुरीद दो बातें पूछने आते हैं, एक तो कोई मसला पूछने आते हैं,
लिहाजा कोई भी मसला पूछने आए तो तू कहना कि देखो इस मसले में इख्तिलाफ है, ये फला मुफ्ती साहब दारुल देवबंद के दारुल इफ्ता से पूछो, इसमें इख्तिलाफ है। तो हरे को यही जवाब देना। और दूसरा, लोग तारीख पूछने के लिए आते हैं कि आज कितनी तारीख है, तो तू ऐसा करना जब पहला चांद नजर आए तो घर में एक कटोरा रख लीजिए और रोजाना एक मैंगनी उसमें डाल दीजिए बकरी की। जब कोई पूछने के लिए आए तो मैंगनी या गिन के बता दीजिए आज कितनी तारीख है। खैर, पीर साहब का इंतकाल हो, लड़के का इसी तरह से उसने मुरीदों को संभाल लिया, जो भी मसला पूछने आए। एक औरत आई, उसने कहा पीर जी, अब तो वो पीर जी हो गया, पीर जी मेरे बेटे को कलमा पढ़ा दो। कहने लगे भी इसमें इख्तिलाफ है, नालिकता से पूछो। चलो, एक दिन ऐसा हुआ घर में बकरी घुस गई और ठीक वहां उसने मैंगनिया कर दी तो सारा कटोरा भर गया मैंगनिया। थोड़ी देर के बाद में एक मुरीद आया कि पीर जी आज कितनी तारीख है, वो जाकर गिनने बैठे, 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, अभी तो बहुत सारी मैंगनिया है। फिर जमा कर दी, फिर गिने 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, फिर बहुत सारी है, वो 30 से आगे गिनना ही नहीं जानते। तो उन्होंने आकर मुरीद से कहा आज इतनी तारीख है कि गिनी नहीं जाती। इस लतीफे में क्या समझना है कि चांद का कैलेंडर पीर साहब का लौंडा भी बना सकता है, ये पीर साहब का जाहिल लड़का ये भी चांद का कैलेंडर बनाता है। नया चांद देखो तो कटोरे में रोज एक मैंगनी डालो, उसके लिए किसी हिसाब की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, अब दूसरा एक मजमून समझो, वो जो हदीस में आया था सुमु ले रुकियती, चांद देखकर रोजे शुरू करो, चांद देखकर रोजे खत्म करो। चांद देखने का क्या मतलब? देखना एक अकल से देखना है, एक आंख से देखना। आंख से जो देखना है शरीयत ने इसका एतबार किया है, अकल से जो देखना है शरीयत ने उसका एतबार नहीं किया। अकल से देखना क्या है? इसी को न्यू मून कहते हैं। ये न्यू मून अकल से देखा जाता है, आंख से नहीं नजर आता। सिस्टम क्या है? सूरज अपनी जगह पर है, उसके जमीन घूम रही है और आधी जमीन मुकाबिल जाती है, आधी पीछे जाती है, रात दिन बनते। इसी तरीके से चांद भी गोल घूमता है, चांद पर भी आधा दिन रोशनी रहती है, आधा अंधेरा हो जाता है, वो भी रात दिन बनते हैं। और ये दोनों घूमते हैं, मशरिक से मगरिब की तरफ चलते हैं और 24 घंटे में एक दौरा मुकम्मल करते हैं। हमारी जमीन 24 घंटे में एक दौरा मुकम्मल करती है, आधी रात आधा दिन। ऐसे चांद भी 24 घंटे में एक दौरा मुकम्मल करता है, ये मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है। जमीन जैसे हमें ऐसा नजर आता है कि सूरज निकलकर डूबा, सूरज निकलकर डूबता नहीं, ये जमीन ही घूमती है, ऐसा महसूस होता है। चांद की एक दूसरी रफ्तार है, चांद सूरज से 23 डिग्री रोज पीछे पड़ता है, 24 घंटे में 23 डिग्री पीछे पड़ता है। आपको पहले दिन इतना नजर आया, अगले दिन इतना ऊंचा आ जाएगा, अगले दिन इतना ऊंचा आ जाएगा, ये जो जा रहा है ये रोजाना 23 डिग्री पीछे पड़ता है, पीछे पड़ता पड़ता आमने सामने हो जाता है तो माहे कामिल होता है, फिर और नीचे जाता है तो कटना शुरू होता है, फिर कटते कटते वो 23 डिग्री पीछे पड़ते पड़ते एक वक्त आता है कि चांद और सूरज आमने सामने आ जाते हैं, बीच में जमीन आ जाती है। अब बिल्कुल उस चांद अंधेरा है, 3 दिन ऐसा रहता है, महीने के आखिर में 3 दिन ऐसा रहता है और इसको अरबी में कहते हैं मुहाक। उस ऐसा आमना सामना होता है कि बीच में जमीन है, सूरज की रोशनी चांद को पहुंचती है। फिर जब 3 दिन के बाद चांद
सूरज से जुदा होता है, पीछे पड़ता है और एक हल्की सी पट्टी जाहिर होती है, इसका नाम है न्यू मून, नया चांद, अल कमरुल जदीद। ये तो जो हिसाब जानते हैं वही जान सकते हैं, हर आदमी नहीं जान सकता। फिर जब वो 16 ता 24 डिग्री पीछे पड़ता है तो हमारी आंख से भी नजर आता है चांद, रो रहा चांद। जब तक 16 डिग्री पीछे न पड़े आंख से नजर नहीं आएगा। 16 से 24 डिग्री जब वो सूरज से पीछे पड़ेगा तब देखने के काबिल होगा, उससे पहले आंख से देखने के काबिल नहीं। और अकल से हिसाब से कब, जब वो सूरज के मुहाजात से निकल आया और पीछे हो गया, जरा सा पीछे हो गया, न्यू मून हो गया, अल कमरुल जदीद हो गया, तो अकल ये कहेगी कि नया चांद पैदा हो गया। तो एक अकल से देखना है, अल कमरुल जदीद उसे कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, और एक आंख से देखने के काबिल होता है विजिबिलिटी। शरीयत ने विजिबिलिटी का एतबार किया है, आंख से देखने का एतबार किया है, अकल से और हिसाब से जो अल कमरुल जदीद बनता है उसका शरीयत ने एतबार नहीं किया। लोग उसका एतबार करते हैं। देखो हिंदुस्तान के हिंदुओं का कैलेंडर महीना हमारे महीने से एक दिन पहले शुरू होता है, कभी दो दिन पहले भी शुरू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बंगला कैलेंडर भी हिंदुओं का ही एक ही है, वो हमेशा हमारे चांद से एक दिन पहले उनका महीना शुरू होगा। क्यों? वो अकल से देख करके महीना शुरू कर देते हैं, हम आंख से देख कर महीना शुरू करते हैं। मिस्र ने 200 साल पहले से ये सिस्टम शुरू कर दिया है और सऊदीया ने 40 साल पहले से ये सिस्टम शुरू किया है। अकल से देखो, शरीयत में मेरे भाइयों अकल से देखने का, न्यू मून का, अल कमरुल जदीद का एतबार नहीं है, वो तो हिसाब पर मदार है और शरीयत ने अहकाम में हिसाब को लिया ही नहीं। लिहाजा आंख से देखने का एतबार है, इसलिए कुरान करीम में एक आयत आई है, सहाबा ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये सूरज जैसा हमेशा एक हालत पर है, चांद हमेशा एक हालत पर क्यों नहीं रहता? ये सवाल क्यों किया? देखो अरब पहाड़ी इलाका है, गर्म मुल्क है, वहां दिन में 9-10 बजे सफर बंद, अब दोपहर गर्मी में सफर नहीं हो सकता, ऊंट के पैर जलेंगे, वहां सफर ज्यादातर रात में होता है। अब रात में 14वीं के चांद जैसा चांद पूरा महीना रहे तो अरबों को सफर करने में कितना मजा आएगा, और ये तो चांद में तो 3-4 दिन रहता है पूरा, फिर तो अंधेरा हो जाता है। तो साहबा ने पूछा कि जैसा सूरज हमेशा एक हालत पर रहता है, अगर चांद हमेशा एक हालत पर रहे तो कितना मजा आ जाए, ऐसा क्यों है, ये घटता बढ़ता क्यों है? तो अल्लाह ने आयत नाज़िल की और फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। मौलाना साहिबान इस मजमून को समझ सकते हैं, अहिल्ला हिलाल की जमा, रमजान हर महीने का पहला चांद हिलाल है, क्योंकि एक हिलाल है। अहिल्ला क्यों आया? 12 महीनों के चांद अहिल्ला है, कि ये घटता घटता फिर नया चांद बना, फिर पूरा हुआ, फिर घटता घटता नया चांद बना, ये साल भर में 12 हिलाल क्यों होते हैं? यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नास वलिल हज वल हज। अल्लाह ने फरमाया इन लोगों को बतला दो कि ये चांद घटता बढ़ता है, वो पीर साहब का लौंडा का कैलेंडर बना ले, इसलिए बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी जंत्री बना ले, कैलेंडर बना ले, इसलिए है। सूरज नहीं घटता बढ़ता, हिसाब जानने वाले उससे भी कैलेंडर बनाते हैं, हिसाब जानने वाले सूरज से भी कैलेंडर बनाते हैं, लेकिन हर आदमी उसे नहीं कैलेंडर बना सकता है। ये चांद घटता बढ़ता है ताकि हर इंसान महीना मुतय्यन करे कि नया महीना शुरू हुआ, ये महीना खत्म हुआ, ये अगला महीना शुरू हुआ। हाँ, हज के लिए ये हिलाल डायरेक्ट हज का वक्त मुकर्रर करता है। मक्का मुकर्रमा के उफुक पर जब जिल हिज्जा का चांद पहला नजर आएगा,
जिलहिज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी, आठवीं, जब नौवीं होगी तो पूरी दुनिया को अपनी चांद की तारीखें छोड़ देनी पड़ेंगी और मक्का की नौ तारीख को जाकर एक साथ हज हो। हज अलग अलग दिनों में नहीं होगा, अमेरिका का तारीख अलग है, इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है, मक्का की अलग है, तो अलग अलग नौ जिलहिज्जा को जाकर वकूफ अरफा करेंगे? नहीं, पूरी दुनिया अपनी अपनी चांद की तारीखें छोड़ देगी और मक्का के उफूक से जो जिलहिज्जा की पहला दिन बनेगा उसकी नौ तारीख को सारे आकर एक साथ हज करेंगे। कुल हिया मवाकीत लिन्नास, लोगों के लिए ये चांद अलग अलग अवकात मुकर्रर करेगा और हज के लिए वक्त मुकर्रर था, हज को अलग किया। हज में तौहीद अहिल्ला है, एक चांद हज में, पूरी दुनिया का एक चांद और एक मुअय्यन वक्त में हज होगा। और हज के अलावा दीगर तमाम मामलात में हर मुल्क के अंदर चांद नजर आएगा, उस पर आता समझ आएगा। बात बाएं खत्म करें, काफी वक्त हो गया, आपको भी परेशानी है। हिंदू आंख से देखने का एतबार नहीं करते, अकली रुयत का एतबार करते हैं, न्यू मून का एतबार करते हैं, आप भी जानते हैं, वो खुद कहते कम कैलेंडर इस तरह बनाते। मिस्र वाले, उनका जो सरकारी कैलेंडर बनता है वो न्यू मून पर बनता है, वो एतराब करते हैं। और सऊदीया वाले क्या करते हैं? इसी सिलसिले में वाक्य सुना, आज से 1975 से लेकर 1980 के दरमियान इन पांच सालों में राब्ता आलम इस्लामी जो लीग है हुकूमत की, राब्ता आलम इस्लामी, उसने पूरे मुल्क पूरी दुनिया का एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और हर साल बुलाते हैं। हमारे दारुल देवबंद से भी हमारे दारुल के मुहतमिन साहब उसके मेंबर है और सारी दुनिया से बुलाते हैं। उसमें उन्होंने तौहीद अहिल्ला का मसला एजेंडा रखा था कि पूरी दुनिया का चांद एक, पूरी दुनिया में रमजान एक साथ शुरू हो, पूरी दुनिया में रमजान एक साथ खत्म हो। उसका नाम रखा था अरबी में तौहीद अहिल्ला, हिलाल हिलाल सब एक हिलाल। अब जो आंख से देखने का मसला है वो देख हो नहीं सकता, न्यू मून ही से एक हो सकता है कि जब चांद सूरज से पीछे पड़े और मुहाजात मुकाबले से निकल आए और बोर्न हो जाए नए चांद का, तो पूरी दुनिया में मान लो कि चांद हो। ये एजेंडा था उनका। उस मजलिस में सारे दुनिया के तमाम लोगों ने ये मुखालिफत की कि ये नहीं हो सकता, हज में तौहीद अहिल्ला हो सकता है, हज के अलावा और चीजों में नहीं हो सकता। हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी हिंदुस्तान के एक बड़े आदमी थे, जब वो कॉन्फ्रेंस से वापस आए, मैं उस वक्त रामदेर में पढ़ाता था, देवबंद में नहीं पहुंचा था, तो वो बॉम्बे उतर कर रामदेर आए, उन्होंने मुझे ये सारी रिपोर्ट सुनाई कि इस इजलास में ये हुआ। तो अब ये हो चुका है उनके बाद। उसके बाद अब दो बातें सुननी है, एक बात तो ये है कि सऊदीया ऐलान करता है चांद नजर आ गया, पूरे अफ्रीका बर्रे आजम अफ्रीका में नजर नहीं आता, यूरोप में नजर नहीं आता, पूरे अमेरिका नॉर्थ साउथ अमेरिका में नजर नहीं आता, बल्कि बाज मरतबा पूरे राउंड में इंडिया तक नजर नहीं आता। भाई तुमने कैसा चांद देखा है? ये भी तो सारी दुनिया मुसलमान है कि आंखें बंद करके चांद देखती, इनको कभी कभी नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरी तरफ हर मरतबा ऐलान करते हैं, नाम लिखते हैं, फुला आदमी, इन्होंने फुला काजी के पास दवाई दी चांद की और चांद का काजी ने फैसला किया। एक तरफ वो ये ढोंग करते हैं, एक तरफ सारी दुनिया चांद नहीं देखती, लिहाजा सऊदीया का मसला डाउटफुल है। अल्लाह जाने उनका क्या चक्कर है, उनके चक्करों में मत आओ, अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है अपने शहर अपने मुल्क की रुयत को बता रोको और उसी पर रमजान शुरू करो, उसी पर रमजान खरब करो। आजकल जो चक्कर चल रहे हैं, हर मुल्क के अंदर सऊदीया के एजेंट हैं और वो लोगों को सऊदीया पर ले जाना चाहते हैं और सारी दुनिया का ईद और रमजान एक करवाना चाहते हैं, और वो न्यू मून ही पर हो सकता है और साथ में दो गवाहों का चक्कर भी चलाते हैं। इस डाउटफुल रुयत में मत जाओ भाइयों, अल्लाह की शरीयत का जो सीधा साधा हुक्म है उस पर अमल करो। दुआ करो।
यहाँ के अल्लाह पाक बंगला में दुआ कबूल करते हैं। इनको इमाम साहब को दो, चलो करो, यहाँ के अल्लाह पाक बंगला समझते सवाल का तो रहा नहीं। बस दुआ करो, जो दुआ से ये कुछ भाइयों ने मसले पूछे हैं, तीन मसले पूछे हैं, उसमें से दो मसले तो इस टॉपिक से मुताल्लिक नहीं, काम की बातें दूसरी हैं। एक मसला इस टॉपिक से मुताल्लिक है, उसका जवाब तकरीर में आ गया है, इसलिए अब हम नमाज तकरीर लंबी नहीं करना चाहते। इमाम साहब ने तरावीह इतनी मुख्तसर पढ़ाई है आप लोगों की आरा सहूलत के लिए, लिहाजा अब हम गुफ्तगु लंबी नहीं करते, कोई मौका होगा तो देंगे। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا إله العالمين ہماری حسنات کو قبول فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے میرے مولا ہمیں صراط مستقیم پر مضبوط فرما یا اللہ حق کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما غلط کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما اور حق کی پیروی کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما جو ہم میں سے کسی بھی टेंशन बीमारी में या किसी भी फिक्र में परेशानी में है उनके टेंशन को दूर फरमा या अल्लाह इस मजमे में जो खवातीन हैं जो मर्द हैं उनके दिलों में जो अरमान नेक तमन्नाएं हैं मेरे मौला सबकी नेक आर्ज़ुएं पूरी फरमा ऐ मेरे मौला इस वाहे मुबारक को उसूल करने की हमें तौफीक अता फरमा हमारे रोजों में बरकत पैदा फरमा हमारी नमाजों में बरकत पैदा फरमा या अल्लाह हमारी इबादतों के अनवार से हमें माला माल फरमा ऐ मेरे मौला हमारी मगफिरत फरमा हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा हमारे रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मगफिरत फरमा ऐ मेरे मौला अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल करना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून सलाम।